चने से बने उत्पाद चना दाल और बेसन में वैवाहिक सीजन वालों की अच्छी मांग निकलने की उम्मीद है, जबकि मंडियों में चने की आवक बेहद कमजोर रहने और मिलर्स की डिमांड बढ़ने के कारण चने के भाव में तेजी देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि चना कांटा 4900 रुपये प्रति क्विंटल पर पहुंच गया है। चना कारोबारियों की नजर फिलहाल नाफेड टेंडर और चना की बोनी पर लगी हुई है। चना की सोइंग की अगर बात की जाए तो अभी फिलहाल वो शुरुआती चरण में है और उम्मीद की जा रही है कि आगे सोइंग बढ़ सकती है। दरअसल चना के वर्तमान भाव में अधिक गिरावट की भी संभावना कम बताई गई है। नाफेड के पास 2021 का स्टॉक लगभग समाप्त हो चुका है और रबी 2022 का एक बड़ा हिस्सा रिजर्व में है, लेकिन वर्तमान में अधिक सोइंग को देखते हुए उक्त स्टॉक भी कम बैठ रहा है। ऐसे में बाजार जानकार मानकर चल रहे हैं कि फिलहाल चने में मंदी नहीं है, यानी आने वाले दिनों में चने की कीमतों में तेजी बन सकती है। दूसरी ओर काबुली चने में कंटेनर वालों की भरपूर खरीदारी देखने को मिल रही है, जिससे भावों को सपोर्ट मिल रहा है। आपको बता दें कि हफ्ते के शुरुआत में ही काबुली चना 200 रुपये तक उछल गया था। कंटेनर में काबुली चना 40/42 13,400 के दाम पर पहुंच गया। वहीं अगर बात करें तुअर और मसूर में, तो उनमें भी खरीदारी फिलहाल कमजोर देखने को मिल रही है। तुअर और मसूर की कीमतें फिलहाल 100 रुपये की गिरावट के साथ कारोबार करती दिखाई दे रही हैं, लेकिन चने का बाजार काफ़ी तेज है। ऐसे में बाजार जानकार मानकर चल रहे हैं कि चने की कीमतें आगे चलकर तेजी के साथ कारोबार करती दिखाई दे सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।